आप लोग तो गुड लक पे जरूर मानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी मानते ऑफ कोर्स, बट ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग घर में ये रखेंगे तो ये शुभ होगा या फिर ये पहनेंगे तो अच्छी चीजें होंगी। तो मान लो कि आपके पास कोई ऐसी चीज है या फिर एक ऐसी मूर्ति है जो कि 10 सालों से आपके पास रखा हुआ है और आप अपने घर में 10 साल से रहते आ रहे हो विथ अ मॉडरेट फाइनेंशियल कंडीशन, तब आपको 10 साल बाद एक दिन पता चले कि वो जो मूर्ति था या फिर उस लकी ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो करोड़ों में है क्योंकि वो चीज रेयर है, जिसको कि आप नॉर्मल चीज समझ के रखे थे, तब आपको कैसा फील होगा। ऐसा ही कुछ हुआ एक मछुआरे, एक फिशरमैन के साथ जो कि पैलावन आइलैंड फिलीपींस का है और फोर्ब्स पे भी इसका आर्टिकल मौजूद है। वो एक दिन नॉर्मली बोटिंग कर रहा था, मछली पकड़ रहा था, तब अचानक से लहर जो होता है समुद्र का, उससे एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट आया और उस टाइम तूफान भी चल रहा था, आसपास कोई भी नहीं था। एंड उनके मान्यताओं के हिसाब से समुद्र से लहरों से आई बड़ी चीजें लकी होती है। उस टाइम वहां पे कोई नहीं था, उस पत्थर को उठा के वो अपने घर चले गए जो कि 34 केजी का था। वैसे भी फिशरमैन लोग बहुत मेहनत करते हैं एंड जिस तरह हम लोग जिम में 30-40 केजी का डंबल उठाते हैं, वैसे ही वो किसी तरह उठा के उसको घर में रख दिए। सोचे एक बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट मिला है मुझे, तो फिर 10 साल तक वो ऑब्जेक्ट उन्हीं के घर पे पड़ा रहा और वो अपना लाइफ नॉर्मली बिताने लगे। 10 साल बाद उनके घर में अचानक से एक दिन आग लग गई एंड आग से सबसे पहले उसी पर्ल को निकाल के उन्होंने सेफ रखा क्योंकि वो बहुत इमोशनली अटैच्ड थे उनसे। उनका घर जल गया बट वो बच गए, वो सेफ थे, वो बहुत दुखी हो गए। तभी पब्लिक ने उनके उस पत्थर को, ह्यूज से पर्ल जैसे दिखने वाले पत्थर को नोटिस किया एंड बात फैल गई। फिर मीडिया आई, इंस्पेक्शन करने वाले आए और फिर उस पर्ल का वैल्यूएशन हुआ जो कि था $100 million। मतलब रुपए में बात करें तो वो एक सेकंड में ही 700 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। इंस्पेक्शन हुआ एंड वो उसको खुशी खुशी बेच दिया, 700 करोड़ रुपए उसे मिल गए। 700 करोड़ में तो वो घर क्या, फिर से एक नया महल रिक्रिएट कर सकता है, कुछ 4-5 करोड़ में ही एक अच्छा घर बन सकता है। और अब ये जो पर्ल है ये प्यूर्टो प्रिंसेसा सिटी हॉल फिलीपींस में मौजूद है, डिस्प्ले में रखा हुआ है एंड ये फैक्ट है कि पूरे अर्थ का सबसे लार्जेस्ट पर्ल है ये। सोचो इसको उस फिशरमैन ने डिस्कवर किया था जिसका नाम भी पब्लिक नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 7, देखो ये एक डीप फैक्ट है। ये कहा जाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन का जो स्टार्ट है ना वो खाने पीने से शुरू होता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर इंसान अपने टंग को कंट्रोल कर ले और खाने पीने पे कंट्रोल पा ले तब वो लिटरली दुनिया में ऑलमोस्ट हर चीजों को कंट्रोल कर सकता है। मतलब इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं कंट्रोल करने को, बट जो खाना है, ज्यादा कैलोरीज खाना, ये हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड है, जिंदा रहने से, और ये सबसे बेसिक चीज होती है एक इंसान में, खाने की अर्ज, टेस्टी खाने की अर्ज। तो इस फीलिंग को कॉन्शियस ईटिंग में कन्वर्ट करना इस दुनिया की सबसे बड़ी डिसिप्लिन मानी जाती है। तो अगर इसे कोई कंट्रोल कर लिया तो बाकी चीजें जो है वो सब बहुत आसान लगने लगती है उस इंसान को। फैक्ट नंबर 6, आपने ज़ॉम्बीज के बारे में वेब सीरीज और मूवीज तो जरूर देखा होगा एंड मेरे को लोग बार बार कमेंट्स में पूछते हैं कि क्या ज़ॉम्बीज रियल हो सकता है, क्या कोई ऐसी बीमारी है दुनिया में। तो देखो रियलिस्टिकली स्पीकिंग एकदम ज़ॉम्बी की तरह तो नहीं होगा, तो ज़ॉम्बीज की तरह हरकतें, इस मामले में जो सबसे क्लोज बीमारी है वो है रेबीज। रेबीज बीमारी इंसान को ज़ॉम्बीज की तरह कुछ हद तक बना देता है एंड एकदम ऐसी हरकतें इंसान करने लग जाता है ना जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड होती है एंड जिसका कोई सेंस नहीं बनता। ऐसा लगता है कि माइंड एकदम लॉजिक पे काम नहीं करता है, जस्ट लाइक माइंड ऑफ ज़ॉम्बीज। कुछ केसेस में तो लोग पानी पीने से डरने लगते हैं। फैक्ट नंबर 5, अब ये साइंस की दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट गजब फैक्ट को सुन लो। एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे, क्लेन बॉटल इसका नाम है, क्लेन बॉटल। एंड ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ फोर्थ डायमेंशन में एग्जिस्ट कर सकता है। क्लेन बॉटल मतलब एक ऐसा बॉटल जिसका जो ये नेक पार्ट देख रहे हो आप, ये इसके अंदर चला जाता है विदाउट टचिंग द बॉडी, बिना बॉटल के बॉडी को टच किए ही ये उसके अंदर चला जाता है, इसी को क्लेन बॉटल कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन में
हमारी नॉर्मल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे डायमेंशन में अगर इस बॉटल का जो नेक है वो बॉटल के अंदर गया तो वो तो टच कर देगा ना बॉटल को। अंदर आने के लिए उसका जो बॉडी है उसको तो टच करे, तो उसका नेक बॉटल के अंदर आ रहा है तो बॉटल तो टच हो जाएगा ना, तभी तो अंदर घुसेगा। बट रियल क्लेन बॉटल जो कि फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट माना जाता है, उसमें उस बॉटल का नेक जो है वो बॉटल के अंदर चला जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉटल, बिना बॉटल को छुए वो उसके अंदर चला जाए, तो ये रियल का क्लेन बॉटल कहलाएगा। ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है फोर्थ डायमेंशन और वहां मौजूद अजीब चीजों का। फोर्थ डायमेंशन में जो भी चीजें होती है वो कुछ ऐसी वियर्ड सी होती है जो कि थ्री डायमेंशन में नॉर्मल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि फोर्थ डायमेंशन में ही ये क्लेन बॉटल का असली स्वरूप पॉसिबल है जो कि थ्री डायमेंशन के लिए इम्पॉसिबल है। अलग डायमेंशन की बात करें तो साइंटिस्ट्स का ये भी कहना है कि टाइम जो है ये भी एक डायमेंशन है। तो अगर हम लोग टाइम नामक इस डायमेंशन को समझ लें तो इस पे हम लोग हेरा फेरी भी कर सकते हैं थ्रू वर्म होल और अ टाइम मशीन, एंड तब टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल हो पाएगा। एंड अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हुआ तो आप बहुत सारी चीजें हैं जो कि करना चाहोगे पास्ट में जाके। आप कुछ करना चाहो या ना चाहो बिटकॉइन जरूर लेना चाहोगे। ऑफ कोर्स जब कोई टाइम ट्रेवल करेगा हाइपोथेटिकली स्पीकिंग तो वो बिटकॉइन के लोएस्ट प्राइस वाले टाइम पे चला जाएगा और बहुत सारा बिटकॉइन ले लेगा और प्रेजेंट पे आके उस पे ट्रेड करेगा। वैसे ये तो हाइपोथेटिकल बात है, बट प्रैक्टिकली अगर करेक्ट सेट ऑफ नॉलेज हो और अवेयरनेस हो आपके पास, तब आप आज भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज पे ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट लर्न देन स्टार्ट, एंड इसके रिस्क से भी आपको अवेयर रहना चाहिए। कॉइन स्विच कुबेर पे आप सिर्फ ₹100 से अपने क्रिप्टो जर्नी की शुरुआत कर सकते हो, एंड दैट इज अमेजिंग। एंड इसके 1.5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। एंड जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, गेनिंग नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्रिप्टो पे ट्रेड करने के पहले प्रॉपर रिसर्च करना भी बहुत जरूरी है। कॉइन स्विच कुबेर का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नॉलेज को गेन कर सकते हो। एंड अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके साइन अप करोगे तो आपको ₹100 वर्थ बिटकॉइन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। एंड अगर आप इस ऐप को अपने फ्रेंड्स को रिफर करते हो तो आपको हर एक रेफरल पे ₹100 वर्थ का बिटकॉइन फ्री मिलेगा। कॉइन स्विच कुबेर ऐप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है, सो यू कैन चेक इट आउट Now and start your crypto journey. Fact number 4. ये question मेरे एक subscriber ने पूछा था कि क्या bird को अगर हम लोग कुछ महीने तक कैद करके रखते हैं, क्योंकि बहुत जगह रहते हैं, तो क्या वो उड़ना भूल जाते हैं? अगर किसी bird को 3-4 महीने पिंजरे में रखें और उसको अचानक से छोड़ दें उड़ने के लिए, तो क्या वो really में उड़ना भूल जाएगा और नहीं उड़ पाता है कुछ मिनट्स तक? तो हाँ, ये absolutely true है, but last line पे गौर करने के बाद ये लाइन ट्रू है। कुछ मिनट्स तक कहा मैंने, मतलब ऐसा नहीं कि वो उड़ ही नहीं पाएगा। बर्ड तो उड़ने के लिए ही नेचर में बना है ना, तो केज में रहने से 1-2 महीने रहेगा अगर, तो जब आप उसको बाहर निकालोगे उड़ने के लिए और वो फर्स्ट बार ऐसे विंग को अपना ऐसे फड़फड़ाएगा तो वो नहीं उड़ पाएगा, वो अटकेगा और बहुत कोशिश के बाद कुछ मिनट्स बाद जाके वो अपना मोमेंटम गेन करेगा। तो ये था बर्ड्स के बारे में एक यूनिक सा फैक्ट। फैक्ट नंबर 3, आपने लेज के बहुत सारे फ्लेवर्स देखे होंगे, एंड ऑफ कोर्स लेज तो खाया ही होगा आपने, बट क्या आपको पता है कि लेज का सबसे हाईएस्ट रेटेड फ्लेवर कौन सा है? वो है चॉकलेट फ्लेवर। आप कहोगे लेज का, हम लोग तो डेली लेज खाते, चॉकलेट कहां से आया, चॉकलेट लेज कब आ गया? तो ये देखो, एक्चुअली में लेज ने लिमिटेड एडिशन चॉकलेट फ्लेवर निकाला था, एंड आपको हर जगह अभी ये आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा क्योंकि ये रियली में लिमिटेड एडिशन था। फैक्ट नंबर 2, जो ये न्यूज है ये भी वर्ल्ड के सबसे दिमाग फाड़ देने वाले न्यूज में से एक है। ये धरती 454 करोड़ साल पुरानी। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, हम किसी भी चीज का जो एज है वो कार्बन डेटिंग से पता करते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है। मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजों के एज को पता किया जाता है। तो क्या धरती पे कोई ऐसी चीज आज तक मिली है जिसका जो एज है वो 454 साल से भी पुराना हो, यानी धरती से भी पुराना हो? तो एक स्टोन पाया गया था सहारा डेजर्ट में, एंड ये शुरू में देखने में कोई मिस्टीरियस सा स्टोन लगा, बट ये क्या था भाई, इसके बारे में साइंटिस्ट के कोई अवेयरनेस नहीं था उनको। बट जब इसका कार्बन डेटिंग हुआ और जब कंप्यूटर स्क्रीन में साइंटिस्ट को दिखा
456 करोड़ ईयर ओल्ड, धरती से भी 2 साल पुराना। हमारे इस धरती के बनने से भी 2 करोड़ साल पुराना एक पत्थर धरती पे मिला। मतलब ये पत्थर अर्ली सोलर सिस्टम का पत्थर है, और सौर मंडल में तो ऐसे पत्थर घूमते रहते हैं। वो पत्थर धरती के पास से पास हो रहा होगा और धरती उसको अपने ग्रेविटेशनल पुल से अपने तरफ खींच लिया होगा, एंड कोइंसिडेंटली रैंडमली वो सहारा डेजर्ट में लैंड कर गया होगा। इसे ओल्डेस्ट मेटेरॉयड एनालाइज्ड टिल डेट कहा जाता है। एक ऐसा पत्थर जो कि धरती से भी ज्यादा पुराना ओल्ड हो और वो पत्थर साइंटिस्ट के हाथों में आया हो। वैसे इस पत्थर को छूने में मजा आ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि इस ब्रह्मांड के एक मिरेकल को छू रहे हैं। जिस धरती पे हम लोग हैं 454 करोड़ साल पुराना, उससे 2 करोड़ साल पुराने 456 ईयर ओल्ड पत्थर को छू पा रहे हैं। ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस होगा इसको छूना। फैक्ट नंबर 1, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये मैग्लेव ट्रेन्स कैसा होता है, मतलब सुना हो कि हवा में उड़ते हुए चलता है। तो एक्चुअली हाँ, तो ये जो मैग्लेव वर्ड है इसको ब्रेक डाउन करो तो मैग और लेव निकलेगा। मैग मतलब मैग्नेटिक, लेव मतलब लेविटेशन। लेविटेशन मतलब कोई चीज ऐसे हवा में रुकना, रुक कैसे रहना, इसको लेविटेशन कहते हैं। तो ये ट्रेन जो है वो लिटरली लेविटेट करके चलता है। चाइना, जापान और बहुत जगह पे ये लेविटेशन वाला ट्रेन चलता है, और ये कहा जाता है कि इन ट्रेन में चक्के नहीं होते हैं। तो जी हाँ, इन ट्रेन में चक्के एक्चुअली में नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक फिक्स्ड लाइन पे चलता है और एक स्पेसिफिक स्पीड के बाद क्या होता है कि ये लेविटेट करने लगता है। मतलब ये उस जो फिक्स्ड लाइन है उसके अंदर मौजूद जो हवा है उसमें से तैरते हुए चलता है, एकदम लिटरली लेविटेट करते हुए। मैं इसको छोड़ दूं अगर मोबाइल को, तो काश ये ऐसे हवा में तैर रहा होता और मैं आपको दिखा पाता। तो इसी को ना लेविटेशन कहते हैं। तो मैग्लेव मतलब मैग्नेटिक लेविटेशन। नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रेन में क्या होता है, चक्के होते हैं, बट इसमें नहीं होते हैं, और इसका जो राइड है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैग्नेटिक लेविटेशन, मैग्लेव ट्रेन्स के बारे में। और हाँ फ्रेंड्स, कॉइन स्विच कुबेर को चेकआउट जरूर करना, लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है। और आप कॉइन स्विच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ब्लॉग कुबेर वर्स को भी विजिट कर सकते हो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपने नॉलेज को गेन करने के लिए। सो चेक इट आउट, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।